के बाद आती है री की बारी। अब देखो बच्चों री कैसे लिखते हैं, ऐसे लेके आए स्टैंडिंग लाइन, ये हमने ऐसे किया त्रिशूल लिखा। अब यहाँ बीचों बीच से ले गए स्लीपिंग लाइन, यहाँ गोल कर दिया और यहाँ पे हमने कर्व कर दिया, ये बन गया री। क्या लिखा ये री। फिर देखो स्टैंडिंग लाइन, ऐसे स्लीपिंग लाइन, थोड़ा गोल किया कर्व कर दिया यहां से री। क्या लिखा बच्चों ये री। बार बार री की प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेगा। ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ऐसे लेके आए स्लीपिंग लाइन, ले गए या गोल कर दिया या कर्व कर दिया, ऊपर लाइन खींच दी। क्या लिखा हमने री। देखो फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ये त्रिशूल बना दिया, त्रिशूल जैसे लिखा था पीछे, त्र त्र बनाया था, त्र जैसे त्र बनाया था उतना तक बनाया, स्लीपिंग लाइन लेके यहां से थोड़ा सा सर्कल किया, यहां से हमने कर्व कर दिया री। एक बार और लिखेंगे, ऐसे किया बच्चों, त्र बनाया, स्लीपिंग लाइन ले गया, यहां से करा, यहां कर्व कर दिया, लिखा गया री। ए ए और ए लिखना सीखेंगे। छोटा ए कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे हमने पहले व्यंजन में आर बनाना सीखा था, या ऐसे कह लो हमने कर्व किया और यहां से हम ऐसे ले गए, और फिर ये जो बीच का है ना इसको ऊपर से लाए, कर्व को इसके साथ जोड़ दिया, ये हो गया ए। दोबारा देखो बच्चों, कर्व किया, कर्व को नीचे से ऐसे ले गए, फिर इसके साथ कर्व को जोड़ देना, ये लिखा गया ए, छोटा ए। कर्व किया, नीचे लाइन ले गए और बीच में इस कर्व को सीधा ऐसे लेके आए, इसमें जोड़ दिया, ऊपर लाइन खींची, लिखा ए। देखो धीरे धीरे लिख रही हूँ ताकि आपको आए, कर्व बनाया, इसको नीचे ले गए, आर बनाया था ना व्यंजन में, आर लग रहा है ना, ऊपर लाइन खींच दो, आर जैसा लग रहा है, वहां तक बनाया सीखा हुआ है, और एक ये कर्व लेके आए तो इसके साथ ही जोड़ दिया, ऊपर लाइन खींची, लिखा ए। कर्व बनाया, ऐसे किया और ये कर्व को इसके साथ बीचों बीच जोड़ देना है, ये बन गया हमारा, लिखा गया ए, छोटा ए। देखो कर्व बनाया, नीचे ले गए और इस कर्व को इससे जोड़ दिया, ये है छोटा ए, हमने लिखा छोटा ए, सीखा लिखना छोटा ए। कर्व बनाया ऐसे और इस कर्व को बीचों बीच जोड़ दिया, ये है छोटा ए, छोटा ए बनाना सीख लिया। अब हमने छोटा ए के बाद है ए, तो अब हमने इसको लिखना सीखना है, कैसे लिखते हैं। देखो पहले वही सर्कल किया, ऐसे करा, ये जो छोटा बनाया था इसमें यही फर्क है बस, ऊपर हमने ऐसे करके सर्कल करके टेढ़ी लाइन डाली है इसके ऊपर, ये हो गई ए की मात्रा। अब आगे सीखे, पहले तो सीख ही लिया ए बनाना, ऊपर ऐसे किया, ऐसे किया, ये लिखा गया ए। क्या लिखा ए, फिर से करते हैं, क्या लिखा, ये हमने मात्रा लगाई ए, क्या की कैसी साउंड आ गई ए। फिर दोबारा ट्राई करते हैं, ऊपर की तरह पहले ये ऊपर की लाइन सीखी है ना, इतना तो बनी गया छोटा ए, फिर जब हमने लाइन खींची और ऊपर सर्कल करके ऐसे मात्रा लगाई तो बन गया ए, क्या बना ए। दोबारा देखते हैं,
सर्कल किया, नीचे ऐसे किया, बीचो बीच सर्कल से बंद कर दिया, कर्व से बंद कर दिया, लाइन खींची, ऊपर मात्रा आई, क्या लिखा गया आई। देखो बच्चों, कर्व किया नीचे ले गए, इसको हमने कर्व से बंद कर दिया, ऊपर लाइन खींची, ऊपर ऐसे गोल करके सीधी लाइन खींची, ऊपर मात्रा लगाई तो बन गया आई, लिखा गया आई। सर्कल किया ऐसे किया तो इस सर्कल को ऐसे कर दिया, ऊपर लाइन खींच दी, ऊपर से करके मात्रा लगा दी, ए आई की मात्रा, इसे बोलेंगे आई, ए आई, ये ए ये आई, जोर से आवाज आएगी साउंड आई। सर्कल ने सॉरी वो करा ऐसे, सोनू काटना पड़ेगा तुझे, देखो बच्चों, कर्व किया नीचे ले गए, फिर ऐसे हाफ कर्व से बंद कर दिया, ऊपर लाइन खींची, ऊपर सर्कल करके एक लाइन खींची आई, क्या लिखा आई। देखो दोबारा बच्चों, ऐसे किया, कर्व किया नीचे की तरफ ले गए, बीचों बीच इसके साथ कर्व से जोड़ दिया, लाइन खींची, ऊपर हमने ये मात्रा लगाई आई, ये बन गया हमारा, लिखा गया आई। दोबारा देखो, कर्व किया नीचे ले गए, बीचों बीच कर्व जोड़ दिया, लाइन खींची, ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन लेके आए, लिखा गया आई। एक बार और देखो बच्चों, कर्व किया ऐसे ले गए, बीचों बीच लाइन लाके इससे जोड़ दिया, ये भी कर्व है, ऊपर लाइन खींची, ऊपर सर्कल करके हमने ऐसे किया, ये लिखा गया आई। बच्चों अपनी नोटबुक में ए और आई की प्रैक्टिस बार बार करें, आप तभी जब इसे 5 टाइम्स लिखेंगे तभी आएगा।